बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, वाकये करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जो कई सदियों से अहले इस्लाम की आंखें नम किए हुए है। तारीख वाकये करबला बयान करते हुए जारो कतार रो पड़ती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया लईन के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। नाजरीन, खाले के कायनात ने बरोज़े कयामत उन लईनों के लिए जहन्नम में अजियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी उन लईनों को निशाने इबरत न बनाता। नाजरीन, करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? कातिलाने हुसैन इब्न अली को किसने चुन चुन कर मारा और उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नजरीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफी को तसल्लुत हासिल हुआ। उसने कहा कि मैं कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझ पर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। फिर उसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में करबला गया था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सकफी ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार सकफी ने एक दिन कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि मेरे उस अमल से तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हीसम बिन असवद नखी उस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर उसने अपने बेटे को रात में इब्न साद के पास भेजकर इत्तला कर दी कि तुम अपनी हिफाजत का इंतजाम करो, मुख्तार सकफी कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार सकफी चूंकि अपने खुरूज के इब्तदाई जमाने में इब्न साद से निहायत अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए उसने कहा कि मुख्तार हमें नहीं कत्ल करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार सकफी ने इब्न साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उसने अपने बेटे खफस को भेज दिया। मुख्तार सकफी ने उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा वो खलवत नशी हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा अब वो रे की हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था, अब क्यों उससे दस्तबरदार होकर बैठा हुआ है? हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो क्यों खाना नशी नहीं हुआ था? मुख्तार सकफी ने अपने कोतवाल को भेजा कि इब्न साद का सर काट कर ले आए। वो इब्न साद के पास गया और उसका सर काट कर अपनी कुबा के दामन में छुपा कर मुख्तार सकफी के पास लाया और उसके सामने रख दिया। मुख्तार सकफी ने हफस से पूछा, पहचानते हो ये किसका सर है? उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, फिर कहा ये मेरे बाप का सर है और अब इनके बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं। मुख्तार सकफी ने कहा तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसे भी कत्ल करा दिया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का बदला, अगरचे वो दोनों इनके बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अगर मैं
कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूं, तब भी वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। फिर मुख्तार सकफी ने दोनों के सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिए। नाज़रीन, खोली बिन यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार सकफी ने अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन लोगों ने आकर खोली के घर को घेर लिया। जब उस बदबख्त को मालूम हुआ तो वो एक कोठली में छुप गया और बीवी से कह दिया कि तुम लाइल्मी जाहिर कर देना। कोतवाल ने उसके घर की तलाशी का हुक्म दिया। उसकी बीवी बाहर निकल आई। उससे पूछा गया कि तुम्हारा शोहर कहां है। चूंकि जिस वक्त से खोली बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया था, वो उसकी दुश्मन हो गई थी, इसलिए उसने जुबान से तो कहा मुझे मालूम नहीं वो कहां है, मगर हाथ के इशारे से उसके छुपने की जगह बता दी। सिपाही उस मकान पर पहुंचे तो देखा कि सर पर एक टोकरा रखे हुए जमीन से चिपका हुआ है। उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे कि मुख्तार सकफी कूफा की सैर के लिए निकला। रास्ते में उन लोगों से मिला। उसके हुक्म से खोली बिन यजीद के घर वालों को बुलाकर उनके सामने शहराए आम पर उसको कत्ल किया गया। फिर उसे जलाया गया और जब तक उसकी लाश जलकर राख नहीं हो गई मुख्तार खड़ा रहा। नाजरीन, तारीख तबरी के मुताबिक मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ज़ियाबी का बयान है कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला जाने वालों को पकड़ पकड़ कर मुख्तार सकफी कत्ल करने लगा तो हम और शिमर दिल जौशन तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से बाहर निकले। मुख्तार सकफी के गुलाम दरबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेजी से दौड़ाया लेकिन दरबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा तुम घोड़े को एड़ देकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये गुलाम मेरी ताक में आ रहा है। हम अपने घोड़े को खूब तेजी से भगाकर शिमर से अलग हो गए। गुलाम ने पहुंचते ही उस पर हमला कर दिया। पहले तो शिमर उसके वार से बचने के लिए घोड़े को कावा देता रहा और जब दरबी ने अपने साथियों से दूर होकर हमला करना चाहा तो शिमर ने एक ही वार में उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार सकफी के सामने दरबी लाया गया और उसको वाकया मालूम हुआ तो उसने कहा अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म न देता। दरबी को कत्ल करने के बाद शिमर कुल्तानिया गांव में पहुंचा जो दरिया के किनारे वाक़े था। उसने गांव के एक किसान को बुलाकर मारा पीटा और उसे मजबूर किया कि मेरा यह खत मुसब बिन जुबैर के पास पहुंचाओ। उस खत पर यह पता लिखा था शिमर दिलजौशन की तरफ से अमीर मुसब बिन जुबैर के नाम। किसान उसके खत को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के हमरा जंगी चौकी कायम करने के लिए आया था। ये किसान उस गांव के एक किसान से मिलकर शिमर ने जो उसके साथ ज्यादती की थी उसको बयान कर रहा था कि एक सिपाही उनके पास से गुजरा। उसने शिमर के खत और उसके पता को देखा, पूछा कि शिमर कहां है। उसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के फासले पर है। अबू उमरा फौरन अपने सिपाहियों को लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला का बयान है कि रात में शिमर के हमरा था। मैंने उससे कहा बेहतर है कि हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएं, इसलिए कि हमें यहां डर मालूम होता है। उसने कहा मैं 3 दिन से पहले यहां से नहीं जाऊंगा और तुम्हें खौफ गालिबन मुख्तार कद्दाब के सिपाहियों का है। तुम उससे मरऊब हो गए। हम जहां ठहरे थे वहां रीछ बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने अपने दिल में कहा शायद रीछ होंगे, मगर जब आवाज तेज हो गई तो मैं उठकर बैठ गया, अपनी आंखों को मलने लगा और कहा ये रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोंपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही भागे।
वो लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था और उसके बर्स की सफेदी चादर के ऊपर से नजर आ रही थी। वो कपड़े और जिरा वगैरह भी नहीं पहन सका, उसी चादर को ओढ़े हुए नेजे से उनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस का खात्मा कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया। नाज़रीन, साहिबे तारीख तबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन दियास, जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलान में से मुख्तार सकफी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असियद जहन्नी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक मुहारबी भी थे। ये सब उस जमाने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार सकफी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। उसने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त लेकर मुख्तार के पास पहुंचा। मुख्तार ने उन लोगों से कहा, ए अल्लाह और रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्न अली कहां है? मुझे हुसैन इब्न अली की जियारत कराओ। जालिमों, तुमने उस मुकद्दस जात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में जबरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए राजी नहीं थे, आप हम पर एहसान करें और छोड़ दें। मुख्तार सकफी ने कहा, तुमने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम नहीं आया, तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया, और आज हमसे एहसान तलब करते हो। फिर बद्दी से कहा, तुमने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी? अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया, दोनों हाथ पांव काट कर इसको छोड़ दिया जाए ताकि इसी तरह तड़प तड़प कर ये मर जाए। चुनाचे उसके हुक्म पर अमल किया गया। बद्दी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहां तक कि वो मर गया। उसके बाद जहन्नी और मुहारबी को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास व असलहा पर कब्जा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला तीर मारा था। मुख्तार सकफी ने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के साथ भेजा। वो जब मुख्तार सकफी की तरफ पकड़ कर ला रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो हातिम ताई का बेटा था, उसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार सकफी से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दे। मुख्तार सकफी के पास अदी पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वो अदी के साथ इज्जत से पेश आया और उसे पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू जरीफ, क्या आप कातिलान हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हैं? उन्होंने कहा, हकीम पर झूठा इल्जाम है। मुख्तार ने कहा, अच्छा, तो हम उसे छोड़ देंगे। सिपाहियों को रास्ते में मालूम हुआ कि अदी मुख्तार सकफी के पास हकीम की सिफारिश के लिए गया है। उनको लगा कि अगर हकीम की सिफारिश मुख्तार सकफी ने कबूल कर ली तो वो हकीम को छोड़ देगा, इसलिए उन सिपाहियों ने रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर दिया और यूं उसे निशाने इबरत बनाया कि उसे एक कमरे में बंद किया गया और कहा कि तूने हजरत अब्बास इब्ने अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी में तेरे लिबास उतारते हैं। चुनाचे उन लोगों ने उसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्ने अली को तीर मारा था, हम भी तुझे तीरों का निशाना बनाते हैं। ये कहकर उन्होंने तीरों से मार मार कर उसको हलाक कर दिया। नाज़रीन, एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रकात था, उस बदबख्त ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो उनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख लिया, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पैवस्त हो गया और जब कोशिश के बावजूद उनका हाथ पेशानी से जुदा नहीं हो सका तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, या इलाहल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया है तू भी इनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी इनको कत्ल कर। फिर जैद बिन रकाद ने
उनके पेट में एक तीर मारा जिससे वो शहीद हो गए। इब्ने रकात कहा करता था कि उनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया, मगर जो तीर पेशानी में लगा कोशिश के बावजूद वो नहीं निकल सका। मुख्तार सकफी ने इब्ने कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इब्ने कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। वो भी एक बहादुर आदमी था, तलवार लेकर उसका मुकाबला किया। इब्ने कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे नेजा और तलवार से हलाक न करो बल्कि तीर और पत्थर से मारो। सिपाहियों ने इस कदर तीर और पत्थर मारे कि वो गिर गया। इब्ने कामिल ने कहा, देखो अगर जान बाकी हो तो इसे बाहर लाओ। चूंकि अभी जान बाकी थी तो उसे बाहर निकाला गया। इब्ने कामिल ने आग मंगवाकर उसे जिंदा जला दिया। नाज़रीन, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वो नाम निहाद इंसान था जो यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। इसी बदबख्त के हुक्म पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत को तमाम ईज़ाएं पहुंचाई गईं। यही इब्ने ज़ियाद मुसल में 30,000 फौज के साथ उतरा। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को इसके मुकाबले के लिए एक फौज देकर भेजा। मुसल से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर दरियाए फुरात के किनारे दोनों लश्करों में मुकाबला हुआ और सुबह से शाम तक खौफनाक जंग रही। जब दिन खत्म होने वाला था और आफ्ताब करीब गुरूब था, उस वक्त इब्राहिम की फौज गालिब आ गई। इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई और उसके हमराई भागे। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि फौज मुखालिफ में जो हाथ आए उसको जिंदा न छोड़ा जाए। चुनाचे बहुत से लोग हलाक किए गए। उसी हंगामे में इब्ने ज़ियाद भी फुरात के किनारे मुहर्रम की 10वीं तारीख सन 67 हिजरी को हलाक किया गया। उसका सर काट कर इब्राहिम के पास भेजा गया। इब्राहिम ने मुख्तार के पास कूफा भिजवाया। मुख्तार ने दारुल इमारात कूफा को आरास्ता किया और अहले कूफा को जमा करके इब्ने ज़ियाद का सर नापाक उसी जगह रखवाया जिस जगह उस मगरूर हुकूमत और उस मगरूर शख्स ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर रखा था। मुख्तार ने अहले कूफा को खिताब करके कहा, ऐ अहले कूफा, देख लो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून नाहक ने इब्ने ज़ियाद को न छोड़ा। आज इस नामुराद का सर इस जिल्लत और रुसवाई के साथ यहां रखा हुआ है। 6 साल हुए हैं, वही तारीख है, वही जगह है। खुदावंद आलम ने इस मगरूर फिरौन को ऐसी जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक किया। इसी कूफा और इसी दारुल इमारात में इस बेदीन के कत्ल और हलाक पर जश्न मनाया जा रहा है। नाज़रीन, कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के अजाब नाजिल हुए। जो लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला गए और उनके कत्ल में शरीक हुए, उनमें से तकरीबन 6,000 कूफी मुख्तार सकफी के हाथों हलाक हुए और दूसरे लोग तरह तरह के अजाबों में मुबतला हुए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि उनमें से कोई नहीं बचा जिसने आखरत के अजाब से पहले इस दुनिया में सजा न पाई हो। उनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कोड़े हुए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों में मुबतला होकर हलाक हुए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।